अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के 9 बजे हुए हैं, हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और हमेशा की तरह बारिश ही हो रही है यहाँ पे, जो कि सारा सारा दिन और सारी सारी रात यहाँ पे बारिश ही होती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इस 6 मंथ में मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चले चलते हैं यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटी का आपको शेड्यूल भी बताऊंगा क्या क्या होता है सारा दिन में और कैसे कैसे होता है, और साथ आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चले, मैं हूं इस वक्त बैथनल ग्रीन, यहां पे बेसिकली मैं रहता हूं, और यूनिवर्सिटी है एलिफेंट कैसल, जो साउथ वर्क कैंपस है, मेन कैंपस। तो यहाँ से तकरीबन मुझे 20 मिनट लगेंगे, और चले चलते हैं, बाकी बात उधर जाकर। सीन ऐसा है कि मैं एलिफेंट कैसल स्टेशन है ये सामने, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से उतर के वो सामने यूनिवर्सिटी है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यूनिवर्सिटी का ये है कि चलना नहीं पड़ता। जी, यूनिवर्सिटी तो मैं पहुँच चुका हूँ, अब सीन ये है कि बारिश तेज़ हो चुकी है और मेरी क्लास भी है, और ऑलरेडी मैं 10 मिनट ऑलमोस्ट लेट हो चुका हूँ। चलें चलते हैं, क्लास लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्लास किस तरह की है, और उसके बाद आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ऐसा है कि 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आंखें भी थोड़ी थोड़ी मेरी खुल चुकी हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रमज़ान चल रहा है, तो अभी जाएंगे जुमा पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ के वापसी मिलते हैं। सो अब मैं करूंगा बात कि मेरा LSBU में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे तकरीबन हो गए हैं, एक सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया और दूसरा सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है, वीक 10 चल रहा है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इस तरह मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें 3 एडवांटेज हैं, 3 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी की लगी हैं, और एक चीज़ वो अच्छी नहीं लगी, वो आपको मैं सच्ची सच्ची बताऊँगा। और जो 3 चीज़ें जो इसकी अच्छी रही हैं, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें से एक ये है कि यूनिवर्सिटी आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, स्पेशली फ़ीस के मामले में, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी फ़ीस में तंग करती हैं और LSBU जो है वो बिल्कुल तंग नहीं करती। कि अगर आपको कोई इशू है, आप जाते हैं स्टूडेंट लाइफ सेंटर, वहाँ पर जाके कहते हैं कि मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता, काइंडली मेरी ये फ़ीस इंस्टॉलमेंट में कर दें, तो वो आपकी कम से कम इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, जो कि तकरीबन मेरी बनी थी £800 पर मंथ। और अगर मैं बात करूं अपने इंस्टॉलमेंट के अलावा कि आपको कोई इस तरह फाइनेंशियल इशू हो जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आपका पोर्टल बंद कर देंगे, आपका रिजल्ट रोक लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, और टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डीन एक महीने में एक दिन ऐसा रखता है जिसको नेम दिया गया यहाँ पर पिज़्ज़ा विद डीन, यूनिवर्सिटी वाले पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके, वहाँ पे डीन भी इकट्ठा होता है, स्टूडेंट भी होते हैं, और वहाँ पे गैदरिंग होती है, एक पार्टी होती है, सब स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा दिया जाता है, और वहाँ पे साथ डीन खड़ा होता है और साथ डीन डिस्कस करता है, जिस बंदे को जो जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ डिस्कस कर दे। ये दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी थी। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ का जो अच्छी है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बुरी चीज़ होगी, वो ये होगी
कि स्टडी के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, स्पेशली स्पेशली अगर आप काम करते हो तो आपको अपना अपना ही काम सबमिट कराना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि इंटरनेट में काम लिया और सबमिट करा दिया। यानी कि प्लेजरिज्म रिपोर्ट अगर आपकी आ गई है आपके काम में तो आपके ऊपर केस होगा। केस ये होगा कि आपको दोबारा फेल कर देंगे और आपको दोबारा देना पड़ेगा। इस चीज़ में पढ़ाई के मामले में यूनिवर्सिटी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये कुछ लोगों के लिए बुरी बात है जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो लोग जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैं 100% इस चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ कि यूनिवर्सिटी आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगी। ये कुछ लोगों के लिए बुरी चीज़ है कि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और लास्ट में जो है वो मैं ये बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी आपको जॉब भी ऑफर करती है अगर आप डिग्री के दौरान अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे जितने टीचर्स हैं जो हमें लैब्स वगैरह करवाते हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पे, और यहाँ पे उनको विद स्पॉन्सरशिप जॉब दी गई है। और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि आईटी सेंटर में जॉब मिल गई, स्टूडेंट लाइफ सेंटर में जॉब मिल गई। तो इस तरह की जो फ़ायदे हैं इस यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तक का जो मैं एक्सपीरियंस अगर यूनिवर्सिटी का आपसे शेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा रहेगा। और मैं अपने दोस्तों को ये यूनिवर्सिटी ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी जानता हूँ कि जो वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं अपने स्टूडेंट को, कि वो कहती हैं कि आपने दिसंबर तक फीस ना कराई तो आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो काइंडली काइंडली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते वक्त ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे पैसे कमा के देने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जी दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी से तो मैं निकल आया हूँ और हमेशा की तरह अभी भी बारिश लगी हुई है। तो रमज़ान चल रहा है तो इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगा इफ्तारी के लिए कहीं, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा घर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज से बेसिकली शुरू हो रही हैं ईस्टर हॉलीडेज़। आज लास्ट डे था, और आज के बाद तकरीबन 20 दिन ईस्टर की हॉलीडेज़ हैं, और इसलिए दोस्तों ने कुछ प्लान बनाया था क्यों ना थोड़ी अफ्तारी इकट्ठी की जाए। वैसे तो यहाँ पे नसीब अफ्तारी ऐसे होती नहीं है, क्योंकि मोस्टली जॉब्स पे होते हैं, जब जॉब्स पे ना हो घर होते हैं। तो आज नसीब हो रही है, और कुछ बुकिंग इन्होंने की है, मुझे तो आइडिया नहीं है। अभी चलते हैं, देखते हैं जाके कि कहाँ पे इन्होंने बुकिंग की है और क्या सीन है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड हो रही थी तो मैंने क्या सोचा कि कुछ आपको दिखाई दूँ। ये है बेसिकली यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन। इसके अलावा दो और अकोमोडेशन है, वो भी दूसरी साइड पे हैं, लेकिन ये नज़दीक तरीन अकोमोडेशन है यूनिवर्सिटी की। सो गाइस, बारिश तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन मैंने भी कहा है आज अफ्तारी अच्छी जगह करनी है, तो मैं इस वक्त हूँ ग्रीनिच, नॉर्थ ग्रीनिच में, और यहाँ पे सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन्होंने, मेरे दोस्तों ने कोई बुकिंग वगैरह करवाई हुई है किसी रेस्टोरेंट्स पे, और आई होप अच्छा हो। के 10 मिनट रह गए हैं और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। इस जगह का नाम है जिमिस किचन, और इन्होंने यहां पे रिजर्व करवाया, और आई होप सो अच्छा ही होगा। अगर जगह बहुत अच्छी लगी है मुझे, हालांकि इतना अरसा हो गया मुझे यहां पे रहते हुए और मैं O2 अरीना नहीं आया। ओ माय गॉड, इट्स फैंटास्टिक। माय ब्लॉग गाइज, अफ्तारी भी हो गई है और आज का दिन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा दिन काफ़ी अरसे के बाद गुजारा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे काम काज और यूनिवर्सिटी और इस सब में तो अपनी नींद भी नहीं पूरी होती, कहीं घूमना फिरना तो दूर की बात है। तो आज करते हैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड, और लास्ट में मैं ये कहूँगा जिन लोगों ने अगर कोई किसी किस्म की
इंफॉर्मेशन लेनी है कि प्रीकैस इंटरव्यू कैसा होता है LSBU का, तो मैं यहाँ पर वीडियो लिंक दे दूंगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये जानना चाहते हैं कि जब मैं पहले दिन आया था तो मेरी क्या सीन था लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में, उसका लिंक मैं यहाँ पे दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो पे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।